उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के एक बयान की चर्चा जोरों पर है। सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि केजरीवाल कोर्ट में बताएंगे कि शराब घोटाले का पैसा कहां गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि केजरीवाल कोर्ट में उसका सबूत भी देंगे। तो आज रिमांड की जो मियाद है वो खत्म हो रही है। आज दोपहर 2 बजे एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऐसे में कल सुनीता केजरीवाल की तरफ से बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें यह दावा किया गया है कि केजरीवाल आज कोर्ट में बताएंगे कि शराब घोटाले का पैसा कहां गया है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा है कि कोर्ट में बकायदा अरविंद केजरीवाल इसका सबूत देंगे। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहाँ रेड मारी, संजय सिंह जी के यहाँ रेड मारी, सतीन जैन जी के यहाँ रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहाँ रेड मारी, मात्र 73,000 रुपये मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहाँ? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर अड़े बीजेपी कार्यकर्ता विधानसभा तक पहुंच गए। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सिसोदिया की अगुवाई में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर डेरा डाल दिया और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शन किया। विधानसभा के बाहर सड़क पर बैठे वीरेंद्र सचदेवा ने भी कार्यकर्ताओं के साथ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने उन्हें वहां से हटाना शुरू कर दिया, लेकिन हाथों में भ्रष्टाचारी केजरीवाल इस्तीफा दो की तख्तियां लेकर पहुंचे कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। इसके बाद पुलिस उन्हें धक्का देकर वहां से हटाती नजर आई। पुलिस उन कार्यकर्ताओं को धकेलते हुए विधानसभा से दूर ले गई और वहां बैरिकेड लगा दिए ताकि वो दोबारा विधानसभा के बाहर इकट्ठा ना हो पाए, लेकिन गुस्साए कार्यकर्ताओं ने उन बैरिकेड को हटाने की भी कोशिश की। इसके बाद पुलिस वीरेंद्र सचदेवा समेत कई कार्यकर्ताओं को बस में भरकर ले गई। इस दौरान भी उनकी नारेबाजी जारी रही। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें 28 मार्च तक ईडी की रिमांड में भेज दिया गया, लेकिन ईडी की गिरफ्त में होने के बावजूद जब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भी दिल्ली विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा के बाहर इकट्ठा हो गए और पुतला जलाकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध जताया। आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा परिसर से बाहर निकल कर पुतला दहन कर रहे हैं। पीली टी शर्ट पहनकर विधानसभा के बाहर पहुंचे आम आदमी पार्टी विधायकों ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग की। इस दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री आदिशी और सौरभ भारद्वाज भी विधानसभा के बाहर नारेबाजी करते नजर आए। रिहा करो, रिहा करो, केजरीवाल को रिहा करो। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने पीले रंग की जो टी शर्ट पहनी हुई थी उस पर अरविंद केजरीवाल की एक फोटो भी बनी हुई थी। उस फोटो में वो सलाखों के पीछे खड़े नजर आए। वहीं उस टी शर्ट के पीछे मैं भी केजरीवाल लिखा हुआ था। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में ये कैंपेन चलाया। इससे एक रोज पहले भी सौरभ भारद्वाज ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मार्च निकाला था। उस दौरान उन्होंने थाली बजाते हुए अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग की। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में निकाले गए उस मार्च में बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले की आज गोवा तक पहुंच चुकी है। इसे लेकर ईडी ने गोवा आपके 3 नेताओं को समन्स जारी किया है और आज पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया है। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले में अमित पालेकर, रामाराव बाघा, दत्त प्रसाद नाइक को समन्स जारी किया है। आरोप ये है कि साउथ ग्रुप से कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली थी। 100 करोड़ रुपए में 45 करोड़ रुपए गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार में खर्च किए गए थे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी ने दिल्ली में आप नेता दीपक सिंगला से जुड़े परिसरों पर छापेमारी करी है। ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है।
बताया गया है कि ईडी की चंडीगढ़ जोनल यूनिट ने बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग में यह बड़ी कार्रवाई की है। बताया तो यह भी जा रहा है कि सीबीआई ने मई 2018 में दीपक सिंगला और महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शिकायत थी कि बैंक से 250 करोड़ का लोन लिया गया था, लेकिन वो पैसे कहीं और ट्रांसफर कर दिए गए, जिसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आप नेता दीपक सिंगला से जुड़े तमाम जो परिसर है, जो ठिकाने हैं, उन पर ईडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई। इधर कंगना रनौत पर सुप्रिया श्रीनेत की आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के मंडी में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शामिल हुए। और कंगना रनौत के खिलाफ की गई आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहां बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता झंडे लेकर मार्च करते नजर आए। मंडी में प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कांग्रेस के विरोध में नारे लगाए। उन कार्यकर्ताओं के हाथों में पोस्टर नजर आए जिनमें कांग्रेस को महिला विरोधी बताया गया। बीजेपी के इस विरोध प्रदर्शन में महिला कार्यकर्ता भी मौजूद रहीं और उन्होंने कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की आपत्तिजनक पोस्ट को कंगना रनौत का अपमान बता दिया। बीजेपी ने कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है और कंगना को टिकट देने के बाद से ही सियासी घमासान तेज हो गया, क्योंकि कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत की फोटो लगाते हुए एक आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी और उसी पोस्ट के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर महिला का अपमान करने का आरोप लगा दिया। हालांकि कंगना रनौत पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट के बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर सफाई भी दी, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा और इसका विरोध जताने के लिए मंडी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शामिल हुए। वहां प्रदर्शन के दौरान जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं के साथ मार्च किया और एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कंगना रनौत पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ महिला आयोग और चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग कर दी। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी जो सुप्रिया जो कांग्रेस की नेत्री है उन्होंने की है कंगना के ऊपर। जयराम ठाकुर के मुताबिक हिमाचल के लोग कंगना रनौत पर की गई टिप्पणी की वजह से कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं और प्रदर्शन के जरिए हिमाचल प्रदेश की मौजूदा सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कंगना रनौत के साथ मंडी लोकसभा सीट का भी अपमान करने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक मांडव्य ऋषि के नाम से मंडी का नाम रखा गया था, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी पोस्ट में गलत तरीके से मंडी का नाम पेश किया।